हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। कल भी मैं इतने बजे ही स्टार्ट की थी और आज भी, कल मैंने 6:45 बजे से स्टार्ट किया था ब्लॉग, आज और आज जो है 6 बजने 5 मिनट बाकी हूँ। देखिए वो देखिए टाइमिंग, तो इस समय लेट से ही ब्लॉग स्टार्ट होते हैं। जब मन करता है तो ब्लॉग बनाते, नहीं करता है तो नहीं बनाते। ऐसा चलेगा तो नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। फिर मैंने सोचा अभी बना लेंगे, फिर ब्लॉग बना ही नहीं पाई। और अभी 6 बजने वाले हैं, जाते हैं पहले चाय पीते। आज चाय मैंने नहीं पिया, सिर्फ मॉर्निंग में पिया था चाय, तब से नहीं पी हूँ। तो जाते हैं पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर जो है देखते हैं क्या करना है, जो करना होगा करेंगे। खाने में क्या बनाना है शाम को, दो लोग हैं कुछ भी बना लेंगे। मैं सोच रही हूँ आलू की भुजिया बना लूँ, सूखी सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, या तो दाल चावल बनाएंगे या सब्जी बनाएंगे। तो दो चीज़ में कुछ एक बना लेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बनाना है मुझे चाय। और पता ही होगा आप लोगों को, सुबह और शाम को चाय मिलना ही चाहिए, और जितने लोग चाय के शौकीन होते हैं वही। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सुबह शाम पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन अब दो ही टाइम मैंने कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं जस्ट उठी हूँ, जस्ट यानी नहीं उठी हूँ, थोड़ी देर पहले उठी हूँ, 10-15 मिनट पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा होगा मैं ब्लॉग बनाते बनाते रुक गई थी। तो क्या होता है जब घर पे कोई होता है, यानी हस्बैंड ही थे मेरे घर पे, तो मैं उनके सामने भी ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो फिर उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ज़्यादा सपोर्ट फिलहाल नहीं करते हैं। और हम लोगों को ऐसे ही डर डर के वीडियो बनाना पड़ता है, जब किसी का सपोर्ट फुल अच्छी तरीके से नहीं होता, यानी फुल सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसे ही हम लोगों को ब्लॉग बनाना और फिर आवाज़ को म्यूट करना या फिर धीरे में बोलना, यही चलता रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ गांव, बच्चे गांव में हैं तो वहाँ फिर लेकर भी आना है, तो आज मैं जा रही हूँ, कल आऊँगी, कल बच्चों को लेकर भी आना है। और वहाँ क्या है वो भी मैं दिखाऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, सरप्राइज़ रहेगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और क्योंकि रेडी हो गई हूँ चलती हूँ जल्दी, और चलते हैं फिर मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों से गांव में ही। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ और बाहर जो है टीवी चल रही है, इसलिए इधर रूम में मैं आ गई, तो इधर आ गए। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ और अभी यहाँ कोई मिला नहीं, लेकिन बच्चे मेरे नहीं है यहाँ पे, और मैं यहाँ आई उनको लेने, तो वो घर पे है ही नहीं, क्योंकि एक जगह मुंडन है भाभी के यहाँ, तो वो लोग सारे लोग पूरा घर मतलब वहीं गया है मुंडन में, बच्चे भी गए हैं, बस यहाँ मेरी मौसी है, मेरी भतीजी है एक बस, तो भी मैं मिलवाऊँगी आपको। चाय पी लेते हैं, चाय बना रही है, तो वहाँ पर टीवी चल रही है आगे वाले रूम में, तो यहाँ मैं एकदम पीछे वाले रूम में आ गई हूँ। मेरे भतीजे का रूम है ये, देख लीजिए, उसका बेड वेड भी इधर बिखरा हुआ पड़ा है, ये देखिए पूरा बिस्तर वगैरह उसका बिखरा पड़ा है, और यहीं पे बैठ के वो अपना वीडियो गेमिंग के वीडियोस बनाता है, और ब्लॉग में लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये है मेरी मौसी, तो मौसी भी आई थी घर, तो मैंने कहा उनसे भी मिल लेंगे, और सत्यनारायण भगवान की कथा भी है मेरे यहाँ, तो इसलिए भी आ गए। मैंने आप लोगों से बताया था कि आगे बताएंगे, तो फिर वही इसीलिए मैं आई हूँ। अभी कथा का तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं बता दे रही हूँ पहले ही, मैं ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखती। तो मेरी मौसी जो है आई थी, दूर रहती है तो जल्दी जल्दी नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा दिनों में आती हैं, तो फिर मैंने कहा मिल भी लेंगे उधर से, बच्चों को भी ले आएंगे, तो एक साथ दो दो काम हो गए। और ये देख लीजिए, मेरी भतीजी है, ये कपड़े प्रेस कर रही है, तो उसको भी मैंने दिखा दिया कि बस ये है और मौसी है मेरे घर पे। तो ये देखिए, ये है मेरे घर पे और मेरी मौसी, दो लोग हैं हम लोग बस, और कोई नहीं आया, और एक भूत आया है, अपने बाबा के कपड़े प्रेस कर रही है ना, क्या कर रही हो, कपड़े प्रेस, स्त्री कर रही है, ये बाबा के कपड़े, वस्त्र स्त्री, और मौसी इधर बैठ कर बातें कर रही है, क्या प्रश्न बोलिए, वस्त्र स्त्री।
और फ्रेंड्स ये वाली ड्रेस जो है मेरे भतीजी की है, तो मैं उसके कपड़े यानी मेरे दोनों लोगों के एक दूसरे के कपड़े आ जाते हैं तो फिर मैं वही पहनी थी। वो बोली थी बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस आपके ऊपर, तो चलो एक रील बना देते। रील वगैरह मैं डालती नहीं हूँ, बस उसने बना दिया था तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है इसमें ऐड कर देती हूँ वीडियो में। और हम लोगों के दोनों के एक दूसरे के कपड़े हो जाते हैं अधिकतर, तो मैं कभी गाँव जाती हूँ तो कपड़े अपने लेकर नहीं जाती क्योंकि उसके हो जाते तो क्या फ़ायदा ले जाकर, तो फिर वही मैं रील बना रही थी। और ये न्यू ही ड्रेस है मेरी आज, यानी फर्स्ट डे ही पहनी है, अभी जल्दी मंगाई थी उसने। तो उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं रात का समय है और अभी मैं काट रही हूँ ड्राई फ्रूट्स क्योंकि कल सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो मैंने कहा आज ही काट देते हैं क्योंकि कल पंडित जी जो है बहुत जल्दी आएंगे, 9 बजे आएंगे मॉर्निंग में, तो बहुत सारा काम होता है जिस दिन ये सब होता है, तो फिर इसलिए मैं अभी काटने लगी हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये चूड़ी जो मैं आपको दिखा रही थी ये चूड़ी मेरी है बचपन की, जब मेरा घर बन रहा था तो कैसे भी वहाँ पे गिर गई होगी तो फिर वो जो मिस्त्री लोग रहते हैं उसको चिपका दिया था, तो आज तक वो पड़ी है। तो मैं इस बार देख रही थी, मैंने कहा इसको वीडियो में ले लेते हैं हमेशा के लिए रहेगा, तो फिर इसलिए। और चूड़ी का अंदाज़ा देख कर लगा सकते कितनी छोटी मैं रही होंगी जब मेरा घर ये बना होगा, तो बस इसीलिए मैंने वीडियो में उसको यानी ऐड कर लिया। और उसके बाद देख सकते हैं अभी पूजा स्टार्ट हो गई क्योंकि पंडित जी बहुत जल्दी आए थे। सत्यनारायण भगवान की कथा स्टार्ट हो गई है और किसने वीडियो यानी शायद बच्चों ने बनाया होगा, मैं तो यहाँ पे नहीं बनाई थी, मैं बाद में वीडियो बनाई थी लेकिन यहाँ शायद बच्चों ने बनाया था, तो जैसे बना पाया बच्चों ने वैसे ही बनाया और अंधेरा भी लग रहा था थोड़ा बहुत, तो सही क्लियर आया नहीं और फिर बच्चे जैसे बना पाते वैसे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इंजॉय करिए और आवाज़ को मैंने म्यूट कर दिया है तो आप लोग म्यूज़िक इंजॉय करिए और सत्यनारायण भगवान के दर्शन करिए। अभी जो है सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई है समाप्त, तो अभी प्रसाद मिलने लगा है, बच्चे प्रसाद दे रहे हैं। और फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ गाँव है तो गाँव की तरह ही होता है और हर जगह अलग अलग पूजा पाठ होती है, जैसे रीति रिवाज होते हैं अलग अलग होते हैं, तो हम लोगों के यहाँ जैसे होता है वो पूरा क्लियर तो दिखा नहीं पाए भगवान की पूजा में, उसमें क्या दिखाना बस कथा हो रहा था उसका दिखा दिया थोड़ा सा क्लिप, तो अभी बाद में प्रसाद देते हैं हम लोगों के यहाँ, तो बस ऐसा ही होता है सभी के यहाँ, बहुत सारे लोगों के जो गांव में रहते हैं ऐसे ही होता होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर